राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशीर्वाद शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है जन्माष्टमी। हाँ भाई, हेलो, आज है जन्माष्टमी, तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। क्या 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 बोलना नहीं आता? तो आज जन्माष्टमी है, तो सबको मेरी तरफ से और अक्षत की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। क्यों भाई? तो अक्षत, तेरी तबीयत कैसी है? हैं? सही है। सही है? खांसी हो रही है ना? अच्छा, अभी थोड़ी देर में खांसेगा तो ठीक है। तूने व्रत रखा है आज? नहीं, क्यों है? तो आज रखा है व्रत मैंने, ऑब्वियसली मैं तो रखूंगी, और रखा है राशि ने, क्योंकि राशि हमेशा ही हर बार जन्माष्टमी पे व्रत रखती है। तो इसलिए जो है कार्तिक ने और अक्षत ने नहीं रखा है। कार्तिक रखता है व्रत, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसको बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे ही वो कुछ नहीं खा रहा, कल भी उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, तो उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी कार्तिक गया है नहाने, क्योंकि वो कुछ काम से गया था, और राशि भी नहाने गई हुई है अपने दोनों दो अपने बाथरूम में जो है, सॉरी, नहाने के लिए गए हुए हैं, और मंदिर वगैरह साफ करके पूजा कर ली है मैंने। और क्योंकि मैंने जो है लड्डू गोपाल जी मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं बिठा रखे हैं, तो जो भी है, जो भी भगवान जी के पास मेरी जो है फ़ोटोज़ वगैरह है, वो सब मैंने क्लीन करके मंदिर भी क्लीन कर लिया है, और बस अभी वेट कर रहे हैं हम। अक्षत, ये खाइयो मत, बिल्कुल मत खाइयो, बता रही हूँ मैं तुझे, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी इधर पापा को फ़ोन करे, रुक जा। तो अभी वेट कर रही हूँ राशि का, राशि और कार्तिक दोनों आ जाएंगे तो बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी जो है हमने किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है। इनफैक्ट अक्षत जो है वो ट्यूशन हो आया है, उसकी आज 12 बजे की क्लास थी, तो ट्यूशन से भी आ गया है, लेकिन अभी तक जो है हमने कुछ नहीं खाया है, क्योंकि राशि भी नहीं आई थी, कार्तिक गया हुआ था, और अक्षत भी अभी आया है ट्यूशन से। तो मैंने भी सोचा मैं बच्चों के साथ ही जो है चाय वगैरह पीऊँगी, तो अभी बस पीऊँगी, बनाऊँगी चाय, और फिर हम चाय पियेंगे, और उसके बाद जो है देखती हूँ कार्तिक और अक्षत क्या खाएंगे, उसके हिसाब से उनका खाना बनाऊंगी, और फिर करूँगी शाम की तैयारी। इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि मैं जो है कोई कुछ अलग से कुछ बना लूँ, बट पता नहीं क्यों कल मेरी तबीयत ख़राब थी, और अंदर से मन भी ऐसा हो नहीं रहा, पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है कि कुछ बनाया जाए या कुछ। मैंने ये भी सोचा था कि मैं कुछ अलग सा कोई रेसिपी बनाकर जो है माइस्टर कुकिंग पर डालूंगी, तो अभी तक तो मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन देखती हूँ अगर बिहारी जी ने सोचा हाँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊँगी। और शायद अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि मुझे क्या बनाना है शाम को भी, तो वो मैं रात को जो हम जो है 12 बजे के बाद ही जो है व्रत खोलते हैं, पूजा हो जाती है जब, उसके बाद व्रत खोलते हैं, तो देखते हैं राशि जो है क्या बताएगी, क्या बोलेगी खाना बनाने के लिए, कि मुझे ये खाना है, जो भी वो खाएगी मैं उसी हिसाब से जो है बनाऊंगी रात को। और अभी लंच के लिए कार्तिक और अक्षत के लिए बनाऊंगी, पहले जो है हम चाय पी लें। चाय बना रही हूँ अभी बस, और चाय पी के फिर बाकी के काम करूँगी। तो यही आज अभी तक की जो है अपडेट है, और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ पर, मतलब किस जगह से आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और आपने किस दिन जन्माष्टमी का व्रत रखा है, क्योंकि काफ़ी जगह पर जो है 6 तारीख को, 6 सितंबर को व्रत रखा गया है, और काफ़ी जगह 7 तारीख को, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे कॉलोनी में भी 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिरों में जो है 7 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और मैंने वृंदावन में भी देखा था, तो वहाँ पर भी 7 को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो इसलिए मैंने भी 7 तारीख का ही व्रत रखा है।
तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी हो गई है शाम और अभी जो है बज रहे हैं 8 और मैंने खाने की तैयारी कर दी है और खाने में आज स्पेशल बन रहा है। स्पेशल में देखिए बन रहा है पेड़े, जो कि यहाँ हमारे ससुराल में मस्ट है पेड़े बनाना, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैं अभी बना रही हूँ पेड़े और साथ में बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की खीर। उसके लिए अभी जो है दूध ही उबाला है, अभी इसमें मैंने कुछ डाला नहीं है। और स्पेशल चीज़ आज जो मैंने बनाई है मखाने की बर्फी, मखाने और मावे की बर्फी। इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा माइस्टर कुकिंग पर, और मावे की भी, ये खोए के जो पेड़े होते हैं इसके भी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा माइस्टर कुकिंग पर। और ड्राई फ्रूट्स की खीर की जो है रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, और साथ में मैं आपको बताती भी रहूँगी। ये देखिए जो है दूध उबल गया है, तो इस टाइम पर हम इसमें जो है मावे वो डालेंगे मखाने। तो ये देखिए ज़रा दिखाती हूँ आपको। इसके लिए ड्राई फ्रूट्स की खीर के लिए सबसे पहले मैंने 50 ग्राम के करीब जो है मखाने ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, और इसको मैंने कोर्सली ग्राइंड किया है, मतलब रफली ग्राइंड किया है, पेस्ट नहीं बनाया है, पूरा पाउडर नहीं बनाया है। और इसको जो है मैं डाल दूंगी इसमें दूध में। ये देखिए आप देख सकते हैं मखाने जो है बिल्कुल मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया है। और इसके साथ एक 50 ग्राम और जो है मैंने डाल दिए हैं, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। तो ग्राइंडर छोटा था तो इसलिए मैंने 2 बार करके जो है इनको ग्राइंड किया है। थोड़े मखाने जो है दिखने भी ज़रूरी हैं, और थोड़ा इसका मैंने पाउडर बना लिया, और इसको हम पकने देंगे। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी वीडियो को, तो एंड तक ज़रूर दिखेगा। तो मैं साथ में बना लेती हूँ पेड़े, और पेड़े के लिए जो है मैंने खोया जो है अच्छे से भून लिया है घी डालकर, तो इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और मखानों के साथ ही मैंने जो है करीब 1 टेबलस्पून के करीब जो है काजू, और 1 टेबलस्पून के करीब बादाम को भी मैंने क्रश कर लिया। ये मैंने राशन से करवाया था, राशन ज़्यादा ही इसका चूरा कर दिया है, तो आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, तो लेकिन ये जो है ये ठीक है, बच्चों के मुँह में आते हैं एफ्रूट्स तो वो पसंद कम करते हैं। तो अभी यही सब चल रहा है, और साथ में अभी बस रखूँगी आलू, आलू उबालूँगी क्योंकि राशि का व्रत है, तो राशि को खाने हैं साबुदाने के बड़े। तो बस साबुदाने के बड़े हो जाएंगे, और साथ में हो जाएगी ड्राई फ्रूट्स की खीर, और थोड़ी सी दही हो जाएगी, और देखती हूँ शायद समा के चावल बनाऊँगी, और भोग के लिए पेड़े हो जाएंगे। तो ये जो है ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, देखिए इसमें घी अलग से आ गया है, ये जो है ठंडा हो गया हमारा, भी इसको ठंडा, इसको ठंडा करना है, हमें निभाया नहीं ठंडा बिल्कुल। तो ये मखाना मेवा की बर्फ़ी जो है देखिए बनकर तैयार हो गई है, और इसकी रेसिपी माइस्टर कुकिंग पर जाकर ज़रूर देखिए और ट्राई भी ज़रूर कीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है बाहर हमारे यहाँ मेला लगता है, तो कार्तिक ने ये वीडियो बनाई थी, तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, अभी लेट काफ़ी इसमें बनाई थी, तो इसलिए जो है थोड़ी कम हो गई है भीड़, क्योंकि अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। तो देखिए और बहुत अच्छा सजाया हुआ होता है मंदिर के सामने, तो बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। मंदिर में गई नहीं थी क्योंकि मैं खाना वाना बनाने में बिजी थी, तो और वहाँ भीड़ भी बहुत होती है, तो मैं वहाँ नहीं गई थी, बच्चे भी नहीं गए थे भीड़ के चक्कर में। ये बहुत ही अच्छा सजा हुआ है पूरा हमारे यहाँ पर, सारे में लाइटिंग्स वगैरह लगी हुई है, बहुत बड़े वाला मेला लगता है हमारे यहाँ पर,
तो अभी तो गाने वगैरह बंद हो गए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये जो है स्क्रीन लगी हुई है, इस पर पूरा जो है मंदिर का नज़ारा हम देख सकते थे, बट मुझे तो टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैं खाना बनाने में इतनी बिजी थी। और हर बार ऐसे ही होता है, हम देख ही नहीं पाते, इतना बड़ा मेला हमारे यहाँ लगता है, इतनी भीड़ होती है, बट आज तो मैं देख ही नहीं पाई कुछ भी। बस अभी आपके लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए भी आई हूँ। तो हम सब कुछ देखिए खाली हो गया, सब जा रहे हैं अपने अपने घर, मेला देखकर दर्शन करके सभी अपने अपने घर जाने की तैयारी में है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसे मेला लगता है, कैसे सेलिब्रेट होता है जन्माष्टमी का त्यौहार। तो देखिए अभी पूरा रोड खाली है, नहीं तो अगर थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा पाती तो मैं दिखाती, पता नहीं अभी कार्तिक ने शायद बनाई है वीडियो, मैं अपलोड करूँगी तो देखिएगा। तो जी पूजा कर ली है हमने, और ये देखिए अगर आप देख सकते हैं तो जोत जगी हुई है अभी। और अभी जो है ये देखिए कढ़ाई का क्या हाल हो गया, आज हमको दूसरी ये वाली कढ़ाई लेनी पड़ी, दूसरी जो है खाली नहीं थी। और ये बन गए हैं साबूदाने के बड़े, दो लॉट पहले ही बना चुकी हूँ मैं, ये राशि के लिए है। तो जो है राशि व्रत खोलेगी और सबको हमारी तरफ से एक बार और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चांद तो दिखाई नहीं दिया लेकिन हमने जल चढ़ा दिया है, पूजा कर ली है, आरती कर ली है, और मंदिर से बच्चे कुछ प्रसाद लाते नहीं हैं, बस आया नहीं है। और अब कार्तिक अक्षत ये तीनों बच्चे जो है खाना खाएंगे, मैं भी फटाफट से इनको खिला देती हूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपने मेरे चैनल आशिमा शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और मैंने जो है मखाना मेवा की बर्फ़ी और मेवे के पेड़े की जो है रेसिपी अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ जाकर माइस्टर कुकिंग पर जाकर ज़रूर देखिए, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सबको राम राम जी एंड टेक केयर। राम राम जी कर रहे हैं, और ये मैडम न्यू सूट में, तो ये भी बताइएगा राशि का सूट कैसा लग रहा है। और मैंने भी आज न्यू सूट पहना है, तो मेरे सूट के बारे में बताइएगा। मिलते हैं, बाय।